मेरी उम्मीदों पे खारा पानी डालते हुए गोवा जैसा सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं निकला। मुझे लगा था कि यहाँ तो बहुत भीड़ होगी, पर जब मैं दोपहर में निकली तो बस मैं और परिंदा ही परमार रहे थे। बाकी सारे लोग मस्त अपनी शॉप्स बंद करके वर्क लाइफ बैलेंस कर रहे थे। फिर क्या था, जैसे ही मुझे एक शॉप खुली दिखी, मैं झट से चाय पे धावा बोल देती हूँ और अपनी ऊर्जा समेट कर निकल पड़ती हूँ गोवा के बीचेस ढूंढने। जहाँ पहुँचने के तरीके हजार थे, जैसे पायलट बाइक्स, रेंटल बाइक्स, कैब, पर मेरे पास ₹30 थे, इसलिए मैंने अपने लिए ढूंढ निकाला सबसे सस्ता और अच्छा वाहन पर, क्योंकि बस का किराया जितना कम होता है फायदे उतने ही ज्यादा। पर बहुत ज्यादा दूर ना जाते हुए मैं पहुंच जाती हूँ कोलवा बीच। जहाँ पहुँचते ही मुझे समझ आ जाता है कि यहाँ पर मुझे पैसों की गठरी लानी चाहिए थी, क्योंकि ₹15 वाली कांच की कोल्ड ड्रिंक भी यहाँ पर ₹50 की मिलती है। लेकिन उससे भी गजब तो मेरे साथ तब होता है जब मैं बीच साइड एक रेस्टोरेंट में जाकर बैठ जाती हूँ, जहाँ मुझसे सिर्फ बैठने के भी पैसे चार्ज कर लेते हैं। पर मैंने भी ₹1 वसूल करने की बेजोड़ कोशिश की। हालांकि इसके बाद ही मेरे दिमाग की घिरनी कहती है कि मुझे यहाँ के रेस्टोरेंट से थोड़ा दूर ही रहना पड़ेगा, तो मैं रेस्टोरेंट से फासला बढ़ाने के लिए पहुंच जाती हूँ सिंधु सागर के पास।